नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभनाथ त्रिपाठी। मैं MBBS मैंने KGMC लखनऊ से किया है और MD पैथोलॉजी एम्स भोपाल से किया है। यहाँ मेडिकल कॉलेज रोड में सिटी हॉस्पिटल और रॉयल एनफील्ड शोरूम के बगल में डायग्नोट्रक्स डायग्नोस्टिक के नाम से मेरा डायग्नोस्टिक सेंटर है। यहाँ पे फुली ऑटोमेटेड हार्मोन एनालाइजर, फुली ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, 5-part सेल काउंटर और हिस्टोपैथ के टिश्यू प्रोसेसर और माइक्रोट्रोम से इक्विप्ड फुली कंप्यूटराइज लैब है। एविडेंस बेस्ड रिपोर्टिंग मैंने स्टार्ट किया है। एविडेंस बेस्ड रिपोर्टिंग अगर आपको मैं समझाऊं तो इसमें हम हर रिपोर्ट के साथ एक इमेज देते हैं, सो दैट कि आप उस इमेज से जो भी हम रिपोर्ट दे रहे हैं उसका एक एविडेंस रहेगा और वो इमेज आपके पास हमेशा के लिए सेव रहेगी कि जो भी हमने रिपोर्ट दिया वो इमेज में कैसी दिख रही है, उसका एविडेंस क्या है। नया हमने शुरू किया है कि हम जो भी हमारे डेली क्वालिटी कंट्रोल होते हैं, जो किसी पैरामीटर हैं, उसको हम अपने वेबसाइट पे डेली अपलोड करेंगे, सो दैट कि कोई भी क्लिनिशियन, कोई भी डॉक्टर एश्योर हो जाए कि उसका जो भी टेस्ट लगा है, उसके पेशेंट का जो भी टेस्ट लगा है, उसकी रीडिंग एक्यूरेट है, प्रिसाइज है। हमारे पास फुली ट्रेन वेल क्वालिफाइड स्टाफ हैं जिनका ऑलरेडी 8 to 10 years का एक्सपीरियंस है। हम हिस्टोपैथ में प्रॉपर कैप गाइडलाइन के तहत रिपोर्ट देते हैं जिसमें प्रॉपर TNM स्टेजिंग होती है। डायग्नो ड्रग्स मीन्स डायग्नो एंड ड्रग्स, डायग्नो इज फॉर आवर डायग्नोस्टिक सेंटर। हम साथ के साथ फार्मेसी भी स्टार्ट कर रहे हैं। इसका हमारा प्रोजेक्ट ऐसा था कि डॉक्टर के पर्चे पे या तो इन्वेस्टिगेशन होते हैं या दवाइयाँ होती हैं, तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन और दवाइयाँ पेशेंट को क्लिनिक के निकलने के बाद एक ही रूफ के अंदर उन्हें सारे इन्वेस्टिगेशन और दवाइयाँ अवेलेबल हो जाए, इस वजह से हमारा ये प्रोजेक्ट है। गोरखपुर में हमने ये पहला लैब स्टार्ट किया है। साथ ही के साथ हम एक हमारा कलेक्शन सेंटर गुलेरिया में और महाराजगंज में स्टार्ट हो रहा है। नियर फ्यूचर में हम आसपास के डिस्ट्रिक्ट देवरिया, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में हम अपने लैब का एक्सपेंशन करने वाले हैं। डॉक्टर त्रिपाठी का ये जो लैब है डायग्नो ड्रग्स, उसको आज उसका हमने इनॉग्रेशन किया है और उनसे बातचीत करके, उनके परिजनों से बातचीत करके लग रहा है कि इनके अंदर काफ़ी प्रतिभा है।